आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, ऑफिस के 42 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। सुरक्षाकर्मी से लेकर स्टाफ के कई लोग पॉजिटिव। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, बड़ी खबर सामने आ रही है, ऑफिस के 42 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। सुरक्षाकर्मी से लेकर स्टाफ के कई लोग पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, ऑफिस के 42 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। सुरक्षाकर्मी से लेकर स्टाफ के कई लोग पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, ऑफिस के 42 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। सुरक्षाकर्मियों से लेकर स्टाफ के कई लोग पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, ऑफिस के 42 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। सुरक्षाकर्मी से लेकर स्टाफ के कई लोग पॉजिटिव, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, ऑफिस के 42 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव। सुरक्षाकर्मी से लेकर स्टाफ के कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में फूटा कोरोना बम, जहां खबर सामने आ रही है कि दिल्ली के कई बड़े नेता भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, और भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता, वो चाहे यूपी के हो या फिर दिल्ली के, कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और अब बीजेपी ऑफिस में भी कोरोना बम फूटा है। रायबरेली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव, दो एनटीपीसी और दो एम्स में मिले मरीज, जिले में 268 पहुंचे एक्टिव मरीजों की संख्या। रायबरेली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, दो एनटीपीसी और दो एम्स में मिले मरीज, जिले में 268 पहुंचे एक्टिव मरीजों की संख्या। रायबरेली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव, दो एनटीपीसी और दो एम्स में मिले मरीज, जिले में 268 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। रायबरेली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 75 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दो एनटीपीसी और दो एम्स में भी कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में 268 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। रायबरेली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही। जिले में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव, दो एनटीपीसी और दो एम्स में मिले मरीज। लगातार स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला ओम शंकर, कितने मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं? और पूरे जिले में हड़कंप मचा है, क्योंकि एम्स के स्टाफ से लेकर एनटीपीसी हो, चाहे लिफ्ट हो, जो भी आईटीबीपी हो, जिस तरह से मरीज मिलते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है लोगों को परेशानी में डाल रहा है। हालांकि लोग अब अवेयरनेस हो रहे हैं, गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरोना का जो बढ़ता हुआ संक्रमण है वो ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। जी, जिस तरह से रायबरेली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग से लेके जिला प्रशासन से लेके पुलिस विभाग तक की टीमें लगी हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए संक्रमण से जिले के स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जी, टीकाकरण भी चल रहा है। जी ओम शंकर, जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या टेस्टिंग को भी तेज कर दिया गया है? हाँ, कॉन्टेक्ट टेस्टिंग और टेस्टिंग तीनों को तेज कर दिया गया है। बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, मार्केट हो, भीड़ भाड़ की जगह चल रही है, जांचें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बढ़ता हुआ संक्रमण है, ये माथे पे चिंता की लकीरें जरूर ला रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। तो लगातार रायबरेली में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 75 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बस्ती में पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़, बड़ी खबर सामने आई। बस्ती से मुठभेड़ के दौरान सिपाही के पैर में लगी गोली,
अंतर्राज्यीय गौ तस्कर हुए गिरफ्तार। बड़ी खबर सामने आ रही है, गौ थाने से इनामी घोषित था आरोपी राशिद। एसओजी और ग्यार पुलिस टीम ने की कार्रवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है, गौर थाना क्षेत्र के शिवा घाट का मामला। बस्ती में पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़, इस खबर पे हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके बस्ती से। रजनीश, क्या है पूरा मामला, कहां से पकड़ा इन आरोपियों को? आपको जैसे हम बता दें कि 25,000 की इनामिया ये बदमाश थे, गौ तस्कर थे, जिनके ऊपर गौर पुलिस ने पहले से ही इनाम रख रखा था। देर रात जो है ये लोग गौर थाना क्षेत्र में शिवा घाट पड़ता है, वहीं के पास बागीचे में ये लोग छुपे हुए थे जी। और पुलिस को जब ये जानकारी मिली, पुलिस और एसओजी की टीम ने वहां दबिश दी, उस दौरान इन लोगों ने जो है फायरिंग शुरू कर दी जी। रजनीश, कितने आरोपियों को पकड़ा है पुलिस ने? पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें राशिद को दाहिने पैर में गोली लगी है, और वहीं इन लोग के जवाबी फायरिंग के दौरान जो है एक सिपाही गौर थाना क्षेत्र से उनको जो है बाएं पैर में गोली लगी है, दोनों का जो है इलाज चल रहा जिला अस्पताल बस्ती में जी। बिल्कुल, कितने वक्त से ये गिरोह एक्टिव था रजनीश? लगभग ये गिरोह जो है 6 महीने से पुलिस इन लोगों की रेकी कर रही थी, और ये सभी रामपुर के रहने वाले थे तीनों ये गौ तस्कर गिरोह। क्योंकि पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की है, इन्होंने बताया कि जो है काफी दिनों से जो है हम लोग प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में गौ वंश मिल नहीं रहे थे, और हम लोग को जब पता लगा कि यहाँ गौ छुट्टा पशु जो है आसानी से मिल जाते हैं, तो ये लेके सीधे फिर बिहार के लिए सप्लाई करते थे ये लोग जी। रजनीश, जितने भी आरोपी थे इस गिरोह में, क्या सब पकड़े गए या अभी कुछ फरार है? अभी तो बहरहाल 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, और पुलिस ने जानकारी दी है कि अगर इसमें पूछताछ के दौरान और भी इस गिरोह में शामिल जितने भी लोग होंगे, पुलिस उन सबकी जो है धरपकड़ करेगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता रजनीश जुड़े थे बस्ती से। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।